ंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माई यूट्यूब इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश सो डर फ्रेंड्सिंग प्रैक्टिस आर वेरी हेल्पफुल टू लर्न इंग्लिश दीज सेंटेंसेज विदेल्प ऑफ दीज सेंटेंसेज यू कैन जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग राइटिंग और रीडिंग इंग्लिश सो डियर फ्रेंड्स आपने भी इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं ये सीख जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँच सकें आज जिन सेंटेंसेस की इंग्लिश आपको बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं वह निकलने ही वाला था आप आग बबूला क्यों हैं जाओ और उसके बगल में बैठो वह दोषी नहीं था आप मेरी उम्र के हो वह किस समय आएगा कीमत की चिंता मत करो यह आपके साथ क्यों होता है कृपया मुझे छोड़ दीजिए कौन सही है कौन गलत है उसने मुझे हर चीज़ बताई व्यर्थ में पछताना सगे संबंधी एवं रिश्तेदार मेरे कहने पर और आप फुर्सत के समय में क्या करते हो तो डियर फ्रेंड्स जब कभी भी बोलते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति कहीं जाने के लिए तैयार होता है निकलने वाला होता है और उसके बारे में लोग पूछते हैं कि वह इस समय पे कहाँ पे है क्या कर रहा है तो लोग कहते हैं कि वह निकलने ही वाला था तो वह वा निकलने वाला था इसको बोलेंगे ही इज़ ही इज़ अबाउट टू लीव अबाउट टू लीव था है तो बॉज ही बॉज अबाउट टू लीव वह निकलने ही वाला था आप आग बबूला क्यों हो रहे हैं कभी कभी किसी व्यक्ति के सामने को किसी किसी व्यक्ति को इतना गुस्सा आता है जब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तब उसको बोलते हैं आग बबूला तो यदि आप किसी से पूछना चाहते कि आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हैं ये तो इसको आप आग बोला क्यों हैं तो इसको बोल सकते हैं वाई आर यू वाई आर यू सो फ्यूरियस सो फ्यूरियस वाई आर यू सो फ्यूरियस फ्यूरियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना नेक्स्ट सेंटेंस कभी कभार हम किसी भी व्यक्ति को ऐसे ऑर्डर बोलते हैं या ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप वहाँ जाइए और उसके बगल में बैठ जाइए या कभी भी कोई भी सीट होती है वहां पर बैठने के लिए बोलना होता है तो हम बोलते हैं कि जाओ और उसके बगल में बैठ जाओ तो जाओ तो को इंग्लिश में बोलेंगे गो एंड सिट बिसाइड हिम गो एंड सिट सिट बिसाइड हिम जाओ और उसके बगल में बैठ जाओ डियर फ्रेंड्स कई बार इस प्रकार से होता है कि जो सामने दिखता है वो सच नहीं होता है तो यदि किसी व्यक्ति को बिना मतलब में सजा हो रही है और वो उस काम को नहीं किए होता है तो हम बोलते हैं कि वह दोषी नहीं था तो वह दोषी नहीं था इसको इंग्लिश से बोलेंगे ही वॉज नॉट ही वॉज नॉट गिल्टी ही वॉज़ नॉट गिल्टी वह दोषी नहीं था तो इस प्रकार से गिल्टी मतलब होता है दोषी नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि आप मेरी उम्र के हो जब दो व्यक्ति की उम्र एक जैसे होती है तब जनरली बोला जाता है कि आप मेरे उम्र के हो तो इसको बोलेंगे यू आर यू आर ऑफ माई एज यू आर ऑफ माई एज इसी प्रकार से और भी आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं आप मेरी आ, कद के हैं यू आर ऑफ माय हाइट आप मेरे आ, के जो भी करना हो यहाँ पे एज करते जाएंगे यहाँ पे जो भी लगा जाएंगे नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है वह किस समय आएगा कभी कभी हम किसी भी व्यक्ति का इंतजार करते हैं और जानना पूछना चाहते हैं कि वह किस समय आएगा तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाट टाइम वाट टाइम विल ही कम कम वाट टाइम विल ही कम नेक्स्ट टेंटें डियर फ्रेंड्स नावे सभी लोग क्वालिटी पर ज्यादा महत्व तो देते हैं यदि हम कहना चाहते हैं कि सामान अच्छा होना चाहिए कीमत की चिंता मत करो तो कीमत की चिंता मत करो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वरी अपाउट प्राइज डोंट वरी अबाउट प्राइस कीमत की चिंता मत करो डियर फ्रेंड्स यदि कोई एक ही एक ही सेम चीज किसी भी व्यक्ति के साथ बार बार होती है तो जनरली हम यह बोलते हैं यह है आपके साथ क्यों होता है तो यह आपके साथ क्यों होता है इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई डज इट हैपन वाई डज़ इट हैपन विथ यू वाई डज इट हैपन विथ यू कई बार हम ऐसा बोलते हैं जब कभी भी मान लीजिए हमसे कोई गलती होती है तो कृपया बोलते हैं कृपया इस बार मुझे छोड़ दीजिए आगे ऐसी गलती नहीं होगी तो कृपया मुझे छोड़ दीजिए इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज लीव मी प्लीज़ लीव मी कृपया मुझे छोड़ दीजिए डियर फ्रेंड्स जब कभी भी किसी के जस्टिस वाली बात आती है तो हम बोलते हैं कि कौन सही है कौन सही है इसको इंग्लिश में बोलेंगे हु इज़ राइट राइट मतलब सही और मान लीजिए हमको कहना है कि कौन गलत है हु इज़ रॉन्ग कभी कभार इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं कि कौन सही है कौन गलत है ये तो भगवान ही जानता है तो कौन सही है हु इज़ राइट कौन गलत है इज़ रॉन्ग ओनली गॉड नोज इट नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है उसने मुझे हर चीज़ बताई तो डियर फ्रेंड्स कभी कभार कुछ हमारी लाइफ में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको जिसको हम अपनी हर चीज़ बता सकें उससे हम शेयर कर सकें तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहना चाहता है कि उसने मुझे हर चीज़ बताई तो इसको इंग्लिश बोलेंगे ही टोल्ड मी ही टोल्ड मी एवरी थिंग ही टोल्ड मी एवरी थिंग उसने मुझे हर चीज़ बताई डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट लिखा हुआ है ब्यर्थ में पछताना एक्चुअली क्या होता है कि यदि हम उस समय पर पछताते हैं जब उसमें कुछ भी सुधार नहीं हो सकता है तो उसको बोलते हैं ब्यर्थ में पछताना तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्राई ओवर क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है सगे संबंधी एवं रिश्तेदार डियर फ्रेंड्स कई बार हम इस प्रकार से बोलते हैं कि वो मेरे सगे संबंधी और रिश्तेदार हैं सगे सा, सारे सगे संबंधी और रिश्तेदार पार्टी में थे मैंने सगे सारे सगे संबंधी एवं रिश्तेदारों को इन्विटेशन दे दिया है तो सगे संबंधी एवं रिश्तेदार इसको बोलते हैं किथ एंड किन्स किथ एंड

तो मेरे कहने पर इसको बोलते हैं एट माय बिहेस्ट नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ आप फुर्सत के समय क्या करते हो तो डियर फ्रेंड्स हमारे सभी लोगों के जीवन में या लाइफ में कुछ ऐसा समय होना चाहिए जिसमें हम अपने आप को फुर्सत महसूस करें जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लेज़र टाइम तो आप फुर्सत के समय क्या करते हो वाट डू वाट डू यू डू इन लेम सेंटेंस दीज आर वेरी इजी सेंटेंस दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस जिनको की केवल आप बार बार पढ़ करके या बार बार लिख करके या केवल बार बार सुन करके आप इन सेंटेंसेस का यूज अपनी अपने, अपने कन्वर्सेशन में अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं तो डियर फ्रेंड्स एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं वह निकलने ही वाला था ही वॉज अबाउट टू लीव ही वॉज अबाउट टू लीव आप आग बबूला क्यों हैं वाई आर यू सो फ्यूरियस वाई आर यू सो फ्यूरियस जाओ और उसके बगल में बैठो गो एंड सिट बिसाइड हिम गो एंड सिट बिसाइड हिम वह दोषी नहीं था ही वॉज नॉट गिल्टी ही वॉज नॉट गिल्टी आप मेरी उम्र के हो यू आर ऑफ़ माई एज यू आर ऑफ माई एज वह किस समय आएगा वाट टाइम बिल ही कम वाट टाइम बिल ही कम कीमत की चिंता मत करो डोंट बरी अबाउट प्राइज़ डोंट बरी अबाउट प्राइज कृपया मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़ लीव मी प्लीज़ लीव मी कौन सही है हु इज राइट कौन गलत है हु इज़ रॉन्ग उसने मुझे हर चीज बताई ही टोल्ड मी एवरी थिंग ही टोल्ड मी एवरी थिंग व्यर्थ में पछताना क्राई ओवर स्पिड मिल्क क्राई ओवर स्पिड मिल्क सगे संबंधी एवं रिश्तेदार किस एंड किन्स किस एंड किन्स मेरे कहने पर एट माई बीहेस्ट एट माई बीस्ट आप फुर्सत के समय क्या करते हो व्हाट डू यू डू इन लेज़र टाइम व्हाट डू यू डू इन लेजर टाइम तो डियर फ्रेंस इसी प्रकार के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके लोग सभी लोग इंग्लिश सीखते हैं तो डियर फ्रेंड्स यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तथा तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए थैंक यू फॉर मच